बच्चन ने बताई अपने दिल की बात। कहां तक पहुंच पाया है फिल्म का काम, क्या है फिल्म का शेड्यूल। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हर बार अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत ही लेते हैं। हाल ही में अक्षय की फिल्म बेलबॉटम सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बेलबॉटम बनने के 3 हफ्ते बाद अक्षय कुमार ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया और अपनी आने वाले प्रोजेक्ट OMG के सीक्वल के बारे में भी बात की। वो मार्शल आर्ट के मास्टर और एक्शन हीरो हो सकते हैं, लेकिन अक्षय कुमार गुड फियर से फ्री नहीं है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मैं हर चीज से डरता हूँ और इन्हें अच्छा डर कहा जाता है। मुझे स्टूल से कूदने से भी डर लगता है क्योंकि मैं अपना ख्याल रखना चाहता हूँ और ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि मेरे पैर में चोट ना लगे या मेरे घुटने में चोट ना लगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की आने वाली फिल्म OMG की अगली इंस्टॉलमेंट यानी OMG 2 और उनकी गुड फियर के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है अनविता पाचक और मैं स्वागत करती हूँ आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अक्षय आगे बताते हैं कि वो जिस चीज से नहीं डरते हैं वो है फैंस की उम्मीद, क्योंकि वो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इंस्टाग्राम पे 5.44 करोड़ फॉलोअर्स और ट्विटर पर अन्य 4.21 करोड़ फॉलोअर्स के साथ उन्हें पता है कि उनकी हर हरकत लोगों की नजरों में है। लेकिन अक्षय कुमार का कहना है कि वो इसके लिए बहुत खुश, विनम्र और बहुत आभारी है। उन्होंने कहा, मैं इसके लिए अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अपने सभी फैंस को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरे सभी वेल विशर्स के लिए है कि मैं यहाँ उनकी वजह से हूँ। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। अक्षय ने कुछ समय पहले अपनी माँ को खो दिया और पूरा बॉलीवुड उनके निधन पर शोक में शामिल हो गया। स्टारडम एक कीमत पर आता है और अक्षय इसे अच्छी तरह से जानते हैं। रियलिटी में वो पेपरेजी द्वारा पीछा किए जाने के बारे में काफी क्लियर थॉट रखते हैं। उन्होंने कहा, ये वो कीमत है जो आप जनता के प्यार के लिए चुकाते हैं। अक्षय ने 1991 में सौगंध के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, लेकिन एक साल बाद सस्पेंस थ्रिलर खिलाड़ी में उनका प्रदर्शन दिखा। तब से सुपरस्टार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो फिलहाल 54 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं दिखता है। उन्होंने अपने 3 दशक के लंबे करियर में 110 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उनमें से 50 से अधिक हिट रही हैं, जिससे उन्हें रोल्स रॉयल सहित उच्च अंतकारों के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाले बॉलीवुड सितारों में से एक बना दिया है। उनका कैलेंडर भले ही रिलीज के लिए लाइन में लगी फिल्मों से भरा हो, विशेष रूप से अतरंगीरे, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज और रक्षाबंधन, लेकिन अभिनेता का ये थॉट नहीं है कि एक हाई लेवल बिजी पर्सन का लाइफ थकाऊ हो सकता है। अक्षय ने आगे कहा, इसके ऑपोजिट ये पूरी तरह से मजेदार है क्योंकि आपको अलग अलग तरह के किरदार करने को मिलते हैं। जब आप हमारे जैसे पेशे में आते हैं तो आपको बहुत सारे किरदार करने को मिलते हैं। मैं ऐसा करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड भले ही विवादों में रही थी, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता काफी हासिल हुई। अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है यानी ओ माय गॉड टू। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ पंकज त्रिपाठी भी नजर आएंगे। हालांकि इस बार परेश रावल फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। सोर्सेज द्वारा पिंकविला की रिपोर्ट में लिखा है कि ओ माय गॉड 2 में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार में होंगे। इस फिल्म को लेकर पंकज से काफी समय से चर्चा चल रही थी और अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। बता दें कि पहले भाग में अक्षय कुमार ने भगवान की भूमिका निभाई थी। वो इस बार भी अपने इस किरदार को आगे बढ़ाएंगे। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू हो चुकी है। फिल्म की टीम प्री प्रोडक्शन काम में जुटी है। आइसोलेशन में रहकर टीम शूट की लोकेशन और किस शहर में सेट लगाना है इसकी प्लानिंग कर रही है। फिलहाल शूटिंग 2 महीने के लिए शेड्यूल दी जाएगी। अक्षय कुमार के साथ साथ इस फिल्म का निर्माण अश्विन वर्दे करेंगे। ओ माय गॉड 2 की शूटिंग शुरू करने के साथ साथ अक्षय कुमार आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन का शूट भी कंप्लीट करेंगे। वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर अमित रॉय ने पंकज त्रिपाठी के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। ये शूटिंग मुंबई में ही की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक पंकज त्रिपाठी अपने हिस्से की शूटिंग करेंगे। अक्टूबर से इस फिल्म के लीड एक्टर्स यामी गौतम और अक्षय कुमार की शूटिंग शुरू करेंगे। अश्विन वर्दे और अक्षय कुमार साथ मिलकर ओ माय गॉड 2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। दरअसल इस फिल्म की स्टोरी पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा था ताकि ये पिछली फिल्म से भी और अधिक दमदार साबित हो। बता दें कि अक्षय की पहली फिल्म ओ माय गॉड साल 2012 में रिलीज हुई थी, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसकी कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हू स्यूड गॉड, वो व्यक्ति जिसने भगवान पर मुकदमा किया, उससे कुछ मिलती जुलती है, जिसे उमेश शुक्ला ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में परेश रावल, नितिन चक्रवर्ती भी अहम भूमिका में नजर आए थे। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी की अक्षय कुमार के साथ ये दूसरी फिल्म है जिसे उन्होंने बैक टू बैक साइन किया है। इससे पहले पंकज ने साजिद नाजदवाला की फिल्म बच्चन पांडे को साइन किया था। इस फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी करेंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ पंकज अहम भूमिका में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बच्चन पांडे की शूटिंग के दौरान अक्षय और पंकज की केमिस्ट्री काफी जच रही थी, जिसे देखते हुए अक्षय की दूसरी फिल्म में भी पंकज को साइन किया गया। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हमेशा अपने किरदार के साथ न्याय किया है। पंकज त्रिपाठी को जो भी भूमिका दी जाती है वो उसे निभाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। माना जा रहा है कि ओ माय गॉड 2 में भी पंकज का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप कितना एक्साइटेड हैं आने वाले इस ब्लॉकबस्टर मूवी की सीक्वल की क्लाइमेक्स सीक्वेंस देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाने से पहले बता दूं, आज की हमारी स्क्रिप्ट राइटर हैं जूही। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।